राधे राधे दगड़ियों, मैं गणेश बिस गंगोली हार्ट उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फ़ोन में, टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़ियों, सुबह के बजने वाले हैं 9:30 और मैं जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। और वहीं मौसम की बात करें तो आज कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम बिल्कुल चटक वाली धूप जो है सुबह ही लग गई है। और दिन दगड़ियों, सुबह जो है नीचे नीचे कोहरा रहता था, पर आज सुबह ही जो है बिल्कुल आंखों के सामने धूप आ चुकी है। मैं तो रेडी हो चुका हूँ और वहीं हमारी हमारी मिसेज भी जो है रेडी हो चुकी हैं। तो कैसा चिता रहे हो दगड़ियों, आज पिछड़ी ने रे यार, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाल फूल काला फूल, बीवी मेरी ब्यूटीफुल। फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है, आज हम दोनों का हम दोनों जा रहे हैं आज मेरे नैनिहाल यानी कि ममकोट लग रही है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, अनर गाँव। खैर वहाँ पे तो कोई है नहीं, एक मामी है बस वही क्या है। बोला? और दोनों जो है उनके अनर अनर गाँव, बनर गाँव नहीं, अनर गाँव, अनर गाँव बोल तो। अनर गाँव हाँ अनर गाँव जा रहे हैं गंगोली हाट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे है शायद, और बाकी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। फिलहाल तैयार हो चुके हैं हम दोनों, अब चलते हैं दुकान की तरफ, फिर आगे को सफर बढ़ाते हैं। ठीक है, मिनट बोल के दगड़ियों 1 घंटा लगा दिया यार, फाइनली अब रेडी हो चुके हैं। ये देखो चलते हैं रोड में। गाड़ी तो घर से निकले हुए आधा घंटा हो गया और पहुंचने वाले हैं हम लोग गंगोली हाट, अभी कुंजनपुर में हैं। अरे वहाँ को चटक धूप लगी थी, वहीं गंगोली हाट में मौसम बना हुआ है, बिल्कुल धूप नहीं लग रही है और ठंडा हो रहा है काफ़ी। गाड़ी तो गंगोली हाट पहुँचते हुए यहाँ से थोड़ा सा सामान वगैरह लेते हैं, मिठाई केले वगैरह, फिर चलते हैं। गंगोली हाट से चलने के बाद तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और हम लोग पहुंचे हैं अभी बजारागढ़। ऊपर जो है फील्ड है, यहाँ पे पहले मैच खेलने आया करते थे। और रोड की हालत तो क्या बताऊँ दगड़ियों, गड्ढे में रोड 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 थी कि रोड के ऊपर गड्ढे थे कि गड्ढों में भयंकर रोड ले गए थे। अगर कोई मरीज यहाँ से अगर कोई किसी मरीज को गंगोली हाट ले जाया जाए ऐसी रोड में, तो गंगोली हाट हॉस्पिटल पहुँचने तक मुझे नहीं लगता कि वो सेफ बचेगा। ये देखो इसकी हालत भी ऐसी हो गई है, लमलेट खेती के दगड़े हो ये ऐसी रोड में। खैर धीरे धीरे आए हम, हमें ये 10 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में पूरा 1 घंटा लगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, यहाँ से अब ठीक लग रही है रोड मेरे को, क्योंकि वहाँ को जो है डामर पहले ही हो गया था, तब से डामर हुआ नहीं, ना ही किसी ने ध्यान दिया। यहाँ के भयंकर कहाँ होंगे यार नेता वगैरह लोग, डामर होना चाहिए दगड़ियों। इतनी बड़ी इतना बड़ा एरिया है हमारे गंगोली हाट का, नीचे भी काफ़ी सारे गाँव हैं, नहीं भी डामर। 10 किलोमीटर तो बेकार सड़क है। अब यहाँ से जो है रोड मेरे को थोड़ी सी अच्छी लग रही है, होप कि ये वहाँ तक अच्छी हो। वैसे मैं दो पिछले साल आया तो था गनुरा एक शादी में, रोड ठीक ही लग रही थी। तो कैसा क्या कहना चाहोगे रोड के बारे में, हैं? दो दो शब्द, दो शब्द खाली। शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। घंटे की कठिन यात्रा के साथ पहुंच चुके हैं हम लोग, अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल है ऊपर को, लाल अनर गाँव में। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसा कि आज मेरे पतिदेव ने बताया, हम मम्मी के मायके जा रहे हैं, यानी कि मेरी सासू माँ के मायके, उनका उनको ओक देने के लिए। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत खतरनाक रोड थी। तो यहाँ भी गद्दू लगे हैं,
दोस्तों यहाँ भी भारी मात्रा में सब्जियाँ लगी हैं। वो भी देखो, एक तो मड़ा दिख रहा है मेरे को, लौकी कितना बड़ा है। दौड़े काफ़ी टाइम लग गया पहुंचने में। खैर, पहुंचते ही जो है खाना आना बना था यहाँ पे। सबसे पहले खाने पे टूटे हम लोग और भोजन पानी हो गया है। ऊपर को जो गांव दिख रहा है ये है गनुरा। पहले पैदल रास्ता यहीं से आता था, अब बंद है। और सामने दिख रहा है ये हनेरा वालों का, यहाँ घास काटना शुरू हो गया, यानी कि गजो। ये हनेरा की ज़मीन आती है यहाँ को, सब गजो काटने की तो खड़ी हुई यहाँ। ये तो घा ही नहीं रहे भयंकर। दगड़े छोटे मामा लोगों का घर है जो बरेली रहते हैं। इस मकान में तो चाबी है, ताला लगा रखा है। खैर, ये दोनों, ये वाला अभी नया बनाया है बड़े मामा लोगों ने, और ये पुराना पहले यहाँ पे भी जो है ऐसे ही बाकी थी, हल्का हल्का याद है मेरे को। और इधर से कहीं रास्ता था ऊपर को, इधर से था कि हाँ इधर से भी रास्ता था दगड़ियों, पर अब उतनी याद नहीं है। अब जाने की तैयारी है हमारी भी। 2 घंटे लग रहे हैं यहाँ से गंगोली आठ पहुँचने में। तो दगड़ियों टीका एक लग चुका है और मामी ने आज इसके जो है नाक से ही टीका लगा दिया। अब जाने की तैयारी है। हाँ, 3 बज चुके हैं, 2 घंटे तक, 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे लग रहा है घर। विदाई लेते हैं आप। तो दगड़ियों निकल चुके हैं। एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब कहीं भी जाते हैं ना तो टीका लगाया जाता है, उसके बाद कुछ सामान दिया जाता है जैसे धोती साड़ी वगैरह। ये हमेशा धोती साड़ी क्यों क्यों देते होंगे यार? कोई भयंकर लूंड वूंड ले जाओ, भयंकर जींस पैंट दे, भयंकर कमीजा खतर दे। हेलो, कैसा लगा फिर मेरा नैनी यार? इसको तो करियो, आज जो है जुकाम सर्दी जुकाम वगैरह काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं। दिन भर करना में हाज भयंकर। आप घर पूछिए, होश में ना पूछनी कि आप घर पे जिंदा होने गति भी हो सके, फिर गड़बड़ से दगड़ियो पहुंच जाएगी रे उसमें घर है। चलो तो गड़ी, इसकी हालत आज खराब ही लग रही है। फाइनली रोड में पहुंचते हैं, फिर फटाफट आगे को चलते हैं। बाजारागढ़ तक तो रोड ठीक है, वहां से तो यार दगड़ियो बबाशीर बेला भयंकर बबाशीर। तो दगड़ियो वापसी होती हुई है। आहा, रोड तो बनी है दगड़ियो यहाँ को, तो फिर भी ठीक है, पर आगे को काफी खराब रोड है। ऊपर गनुरा दिख रहा है और यहाँ पे आगे की पहाड़ी में गाजो काटने लिए शुरू होगी दगड़ियो गाजो। और नाले भी साहब उफान में है परसों की बारिश के बाद। तो दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 5 और हम 1 घंटे से निकले हैं और यहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं। उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए आगे को कि ये रोड के लिए बहुत गंदी रोड है। दोस्तों कितने बार बार बस गिरते गिरते बचे हैं। आप भी कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलूं भयंकर, जब इलेक्शन आते हैं तो मैं यही कहूंगा। अरे इलेक्शन में आजकल ना लोग बिकाऊ हो गए हैं, जिसने पैसा दिया उसकी तरफ चले जाते हैं। मुद्दा ये रोड का होना चाहिए। अगर रोड बन जाती तो आदमियों के लिए सुविधा हो जाती और साथ साथ टाइम की भी काफी बचत होती। जहाँ हमें गंगोली आठ पहुँचने में यहाँ से 1 घंटा लग रहा है, वहीं ये 5 किलोमीटर की रोड है और इसमें हमें 15 मिनट लगते। इतना समय की बचत होती और इतने सारे लोग चल रहे हैं इस रोड पे। अगर इलेक्शन के टाइम पे इस रोड को मुद्दा बना के उन्होंने वोट दिया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती शायद। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह नए नए हाईवे बन रहे हैं और सरकार भी काफ़ी कुछ जो है रोडों के लिए कर रही है, पर इस रोड की ऐसी हालत देख के दगड़ियों कुछ कहना नहीं आ रहा है।
बड़ी खराब हालत हो रखी है इस रोड की। मैं तो ये अभी तो चलो हम लोग स्वस्थ आदमी हैं, जब कोई पेशेंट या प्रेग्नेंट महिला या कोई आता होगा तो फिर कैसे आते होंगे वो इस रोड से। बाप रे, घर जाने तक तो हॉस्पिटल पहुंचने तक तो दगड़ियों सब कुछ काम रास्ते में ही हो जाएगा। इस रोड पे इतने सारे गड्ढे हैं बाप। इस रोड पे मैं आज से 6 महीने पहले भी आया था, फिर भी इस रोड की हालत ऐसी ही थी, और अब तो और भी ज़्यादा बदतर हो गई है अब बारिश की वजह से। हादसों को दावत दे रही है ये सड़क लगातार। मैं तो यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों से, यहाँ के लोगों ने जो प्रतिनिधि चुन के आगे भेजे हैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो इस रोड के मुद्दे को आगे तक ले जाएं, और जिससे लोगों को सुविधा के साथ साथ उनके टाइम की भी, बहुमूल्य समय की भी उनकी बचत हो। ये सालत भी यार दगड़ी हुई हो, बाप रे। गड्ढू में सड़क है कि भयंकर सड़क में गड्ढे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। स्पीड आप जो है 15 से ऊपर को नहीं ले जा सकते, नहीं तो गाड़ी का कुछ ना कुछ टूट जाएगा, आपका टूटे ना टूटे। दगड़ियो दगड़ियो दगड़ियो, नैनीहाल से आने के बाद ना घर पहुंचे तो फिर हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। उसके बाद जो है बिल्कुल भी आपसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाया। फिलहाल खाना पीना सब हो चुका है और धर्मपत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जुकाम उकाम अभी मैंने उसका भाप वाप दिया है, तो थोड़ा बहुत रील वील देखने में बिजी है वो अभी। फिलहाल अब आज की ब्लॉग को दगड़ियो नहीं रखते हैं, अब मिलते हैं आपको कल एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और सबसे ज़रूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय जय उत्तराखंड, जय माता।